हेलो दोस्तों, शिमला के पहले पार्ट में हमने देखा वहाँ के साइट सीन को, और अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ के फूड और यहाँ के नाइट मार्केट को। शिमला के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और यहाँ पे दिन रात काम करते हैं। रिश पर आपको हमेशा लोग आते जाते दिखते ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ की जर्नी को। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे लक्कड़ बाज़ार, जो कि दरिज के जस्ट पीछे है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यह है लक्कड़ बाज़ार और यहाँ पर लकड़ी की चीज़ें अधिक मिलती हैं, तो इसलिए इसको लक्कड़ बाज़ार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये है चना कुलचा और ये यहाँ का बहुत फेमस है और लगभग हर जगह मिल जाता है आपको, तो काफ़ी स्वादिष्ट भी है। आप लोग आइएगा तो उसको चखिएगा। ये लक्कड़ बाज़ार में है। अब हम लक्कड़ बाज़ार से निकल के चलेंगे मॉल रोड, जो कि शिमला में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यह है मॉल रोड, ये थोड़ा सा लक्कड़ बाज़ार से डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा महंगे और ब्रांडेड सामान मिलते हैं और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई भी है, तो यहाँ पे केवल कंपनियों के सामान मिलते हैं, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे देख सकते हैं। मॉल रोड से निकल के हम लोग चलेंगे लोअर मार्केट की तरफ। लोअर मार्केट आम जनता में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार आ सकते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ की लोअर बाज़ार और यहाँ पे चीज़ें और सामान और जगहों की अपेक्षा थोड़ा सस्ते मिलते हैं। ये मार्केट तकरीबन 8:30 बजे तक खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। ये मॉल रोड के जस्ट नीचे ही है। ये है यहाँ की काफ़ी पुरानी मिठाई की दुकान। और लोअर मार्केट होने के बाद अब हम लोग चलेंगे तिब्बती मार्केट। तिब्बती मार्केट दरिज के नीचे है। शिमला के लोगों में व्यापार को लेके उनकी मेहनत साफ साफ झलकती है। तो ये यहाँ की तिब्बती मार्केट और यहाँ पे थोड़े फैशनेबल और
अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी आके कपड़े खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे शिमला के प्रमुख मार्केट्स। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए।